आकर चार लाख चौरासी योनि भ्रमत जीव अविनाशी। रामचरित मानस की एक एक बात, एक एक चौपाई में जीवन का दर्शन और रहस्य भरा हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति है। उद्देश्य क्या है, इसको बड़ा भाग क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी रचना में मनुष्य से सुंदर कुछ भी नहीं बनाया है। और ये बड़ा भाग मानुष तन इसलिए है कि 84 लाख योनियों में अगर उतरने का कोई एक स्टेशन है जहां पर आदमी अपनी यात्रा को पूर्ण विराम दे सकता है। ये जीवन क्या है, एक यात्रा है। अब कभी ना कभी तो व्यक्ति थकता है और इस यात्रा को विराम देना चाहता है। राम जी को नामकरण संस्कार हुआ तो तुलसी बाबा लिखते हैं अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले इसका नाम राम क्यों? बोले ये अखिल लोक को विश्राम देने वाला है। अखिल लोक दायक विश्रामा। और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं राम काज किए बिनु मोहे कहां विश्राम। तो 84 लाख योनियों में एक मात्र ये स्टेशन है जहां पर आदमी अपनी यात्रा को पूर्ण विराम दे सकता है।